लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुश्किल भाषा एक तमाशा, छोटी 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 आशा बन जाती है बड़ी निराशा। आज का पक्षी थका हुआ सा, कच्चा वादा पका हुआ सा, दबी दबी सी हसरत कोई, छुपी छुपी सी हरकत कोई, बाहर अंदर का है स्टाइल भी है, स्माइल भी है, कुछ पे मरना और कुछ करना, बात धोरी ना जाने कब होगी पूरी, कहते कहते रह जाना, रहते रहते सब कह जाना, अपनी मर्जी अपना सपना, अपनी अपनी ये मजबूरी, क्या होती है क्यों होती है पता नहीं। दो सांसों के बीच की दूरी, आग धुआं और पानी, जानी अनजानी एक कहानी जिंदगी।
Thank God गाना खत्म हो गया. No no, I mean गाना अच्छा था, मगर मैं बहुत late हो गई. I'm really late. चलो. Sorry, I have to run. अच्छा तो चलो. Listen. Coming. Bye, Viren. See you. मैं drop कर दूँगा ना तुम्हें घर. No, sweetheart. मामा को pick करना है. She's at Divya's place. Come on. Coming. Oh. Shit. क्या हुआ? नहीं यार. सोचा था पार्टी खत्म होने के बाद से कहीं ले जाकर पूछूं. शादी करेगी? वापस बुलाऊं? रहने दे, जल्दी में है. तुझे कौन सा भाषण देना उसे? मैं बुलाता हूँ, झट से पूछ ले. एक सेकंड की तो बात है. अरे शादी के लिए हाथ मांग रहा हूँ यार, कोई माचिस का डब्बा नहीं मांग रहा जो एक सेकंड में दे देगी. विरेन, मैं अंदर आ रही हूँ. विरेन, विरेन, वन टू थ्री. हाउ मैन हाउ, तुम्हें कैसे मालूम पड़ जाता है कि मैं जाग रहा हूँ? वो मैं बाद में बताती हूँ. पहले नीचे चलो, डैडी ने बुलाया है. निर्मल ने? शे? मुझे क्यों बुलाया है? अब मैंने क्या किया है? तैयार होके नीचे आ जाओ जल्दी. या तो बहुत कुछ होगा. उन्हें क्या पता चला? गुड मॉर्निंग डैड. गुड मॉर्निंग, आइए. सुना है मम्मी को बहुत तंग कर रहे हैं? मैं? गुड मॉर्निंग मॉम. गुड मॉर्निंग. ये बार बार आपसे शादी की बात करती हूँ और आप हर बार कोई ना कोई बहाना बना जाते हैं. नहीं डैड, मैंने तो बस इतना ही कहा कि जल्दी क्या है, अभी तो मैं सिर्फ. आपकी उम्र मालूम है हमें, हमी ने पैदा किया आपको. नरेन आप ही की जितना था जब उसकी शादी हुई थी, 24 साल. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 24 साल में नरेन 24 का हो चुका था, और तुम तो हमारी उम्र के हो जाओगे, तब भी बच्चे ही रहोगे. मम्मी का कहना है कि तुम्हारी शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर देना चाहिए. हम भी यही चाहते हैं. कई रिश्ते आए हैं, लेकिन तुम्हें जो पसंद हो बात उन्हीं से आगे बढ़ाई जाएगी. कोई जबरदस्ती नहीं है, किससे शादी करना है फैसला तुम्हारा है, लेकिन इस फैसले में अब देर नहीं होनी चाहिए. समझे? विरेन. यस डैड, ऑफ कोर्स. मैं जाऊं? हाय. कौन से रो की टिकट्स हैं? के एल एम एन. तुम्हें हमेशा आगे के ही टिकट्स क्यों मिलते हैं? शह, हीरो इधर दिखता है, हीरोइन. आज टिकट्स मिलने में हमें कितनी मुश्किल. अच्छा एक मिनट पकड़ो प्लीज. ये जो कैरन है कैसी लगती है तुझे? तुझे पसंद है? गर्लफ्रेंड तेरी है, पसंद मैं क्यों करूंगा? अबे पसंद पूछ रहा हूँ तेरी. ओके शादी करने को नहीं बोल रहा हूँ. पूरे बैंड्रा में इसके जैसी वॉन्ट टैग आइटम नहीं है. अरे वो तो सबको दिखता है यार, अंदर से कैसी है वो. वो जो बाहर से नहीं दिखता उसका वो पार्ट कैसा है? अबे क्या बकवास कर रहा तू? मैंने कब देख लिया अंदर का? इड़ा है तू? तू कहने का चाहता है, बोल कहने का चाहता है, तू खुल के बोल. अबे मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूँ, और तुझे लग रहा है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ? तो पूछता क्यों है तेरे सवाल? टेंशन है यार, कितने दिनों से कैरन को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ना कोई लफड़ा हो जाता है. पता नहीं कितने दिन ऐसे ही झूलता रहूंगा. और घर में बेटा ये लड़की देखो वो लड़की देखो चलता रहेगा. ब्लडी हजार प्रेशर्स ऑन मी मैन. अरे तो चलाते रहे ना देखने का चक्कर, एक दो लड़की देख भी लेगा तो तेरी वर्जिनिटी नहीं लूट जाएगी. बेटा देखता जा, टरकाता जा, तू भी खुश, तेरी फैमिली भी खुश. वैसे गोवा तो अपन जा ही रहे ना. हाँ. तो वहां पर अपने पास टाइम ही टाइम है. वहां कैरन को पकड़, एग्रीमेंट फाइनल कर और भाभी को बोल दे आके. अरे प्रॉब्लम किधर है यार? उप्स, क्या मैं वापस बाहर जाके नॉक करके आऊं अंदर? शट अप. अच्छा बताइए कहाँ है लड़कियां आपकी? लड़कियां? अरे वही जिन्हें देखने जाना है. अरे वाह, आ गए रास्ते पे. भैया निर्मल से चुगली करके फंसा दिया है भाभी ने, अब देखना ही पड़ेगा. वेरी गुड, चलो उठो जल्दी से इसमें से एक निकालो. जानता हूँ मैं, तुम सब लोग मेरी आजादी से जलते हो, कोई नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं. निकालो ना एक. ये लो. वाओ नरेन, ये तो वही लड़की है जो हम सबको सबसे ज्यादा पसंद है. मैं दूसरी सिलेक्ट करता हूँ. क्यों? निर्मल ने कहा ना जो मुझे पसंद हो. ये वाली. व्हाट अ कोइंसिडेंस. अरे ये तो डैड की फेवरेट है, वो तो डेस्परेट है कि कब तुम इससे शादी कर लो. चलो ठीक. डैड की फेवरेट? फिर तो कभी नहीं. विरेन ये वाली.
ये वाली? Are you sure? 100%. चेंज नहीं करोगे? नहीं, इसी से मिलूंगा मैं. डन. लॉक किया जाए. बेवकूफ, ये सब फोटोग्राफ्स एक ही लड़की की है. What? नरेश, यही है मिसेस मल्होत्रा की नीज. डैड इसी से विरेन का रिश्ता चाहते हैं. ये तो चीटिंग है, ऐसा थोड़ी होता है. चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं है, तुमने लॉक किया है इसे. मैं जा रही हूँ मम्मी को बताने. What nonsense, भैया tell her no. Sorry brother, तुमने लॉक किया. What lock? भाभी. Thanks a lot, तुमने सबकी पसंद को पसंद कर लिया. देख लूँगा, तुम सबको मैं देख लूँगा. ऐसा बदला लूँगा ना. याद रखोगे तुम सब लोग. अरे आप लोगों से क्या फॉर्मेलिटी करना है, ये तो आप ही का घर है ना. बिल्कुल, हाँ जी. अगर हम लोग हाथ ज्वाइन कर लेना अंकल, तो आधा कंपटीशन तो यूं ही ठंडा पड़ जाएगा. अगर आपके पास प्राइम प्रॉपर्टी है तो हमारे पास भी है एक्सपर्टीज. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तैयार होने की वैसे भी आजकल अकेले अकेले चलने का जमाना भी नहीं है. क्या हुआ, आपके हस्बैंड आने वाले थे वो नहीं आए? नहीं, आधा घंटा पहले तो पक्का प्रोग्राम था आने का. कह रहे थे साइड से सीधा इधर ही आ जाऊंगा. हम लोग निकलने के लिए एकदम तैयार थे, तो बस फिर वही जो हर दूसरे दिन होता है, जर्मन डेलीगेशन आने वाला है, नहीं आ पाऊंगा. हमारे घर में तो सब साथ में खाना खाते हैं. हाँ जी, जा बेटा. क्यों नहीं, जा ना. अदिति आ जाओ ना, आ जाओ. ये अदिति है. अदिति, सबको नमस्ते करो. नमस्ते. 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 आओ. क्या करती हो? पॉटरी. मतलब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज वॉलेज सब कुछ? कॉलेज में क्या क्या किया? बीए लिटरेचर. अच्छा. भाभी जी. हाँ? आप जरा लड़की को लड़के के साथ बिठाइए. हाँ जी, तभी आइडिया लगेगा ना. हाँ हाँ हाँ. आओ अदिति. हाँ. कमाल की मैचिंग है जी, और कुंडलियां 36 में से 35 गुण मिलते हैं जी. अदिति, विरेन को अपना कमरा दिखाओ. Feel free, boss. हम लोग ओपन माइंडेड लोग हैं. आप दोनों की चाय हम कमरे में भिजवा देंगे, वहीं पे पी लेना, ठीक है? Listen, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए. क्या? देखिए, अगर आपको ना करना हो इस शादी को मुझको, तो प्लीज आज कर दीजिए. देखिए, होता क्या है ना कि लड़के देखने आते हैं और फिर बहुत टाइम लगाते हैं, और मेरी आंटी को लगता है कि रिश्ता होने वाला है, लेकिन जब ना हो जाती है तो उनका मूड ऑफ हो जाता है, घर में बहुत टेंशन हो जाती है. आप समझ रहे हैं ना? हाँ. और इस बार तो उनको लग रहा है कि रिश्ता होने ही वाला है, क्योंकि यू नो हमारी कुंडलियाँ एंड ऑल. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ बुरा मत मानिए. एक्चुअली अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये सब कह दिया, क्योंकि मुझे भी ये सब नाटकबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है. यू नो, ये कुंडलियाँ मिला के लड़की देखने जाओ, 5 मिनट मिलो और फैसला कर लो कि हाँ यही लड़की है जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, ये कोई बात हुई? इट्स अ वियर्ड, आई मीन 21st century हो गई है, फिर भी ये पुराने सड़े कसम चले आ रहे हैं. गिव मी अ ब्रेक. मतलब आप ना करने वाले हैं? देखिए, आप गलत मत समझेगा. नहीं समझूंगी, मगर आप ना करने वाले हैं? हाँ. ठीक है, तो घर जाते ही मना कर दीजिएगा, और मना आपको करना है, मैं नहीं कर सकती. ओके ओके ओके, तो चलिए. हाँ चलिए. जी वो मेम साहब ने भेजा. एक्चुअली हम लोग लाइए दीजिए. जी थैंक यू. चाय हम लोग यहीं पीते हैं, नीचे ले जाएंगे तो उन्हें लगेगा कोई गड़बड़ है. अच्छा है, नीचे मेरे पसीने छूट रहे थे. और आप, बुरा हाल था आपका, वो पर्दे के पीछे ऑलरेडी कह रही थी जाओ जाओ, और आपको लग रहा था कि अरे यार कहाँ फंस गई हूँ मैं, है ना? ऐसा ही लगता है,
जब बाहर निकलो तो 50 लोग तुम्हें देख रहे हैं। कैसी है, लंबी है कि छोटी है, आड़ी है कि टेढ़ी है? लो मैं बनाती हूँ। रहने दो, मैं बना देता हूँ। मैं पहली लड़की हूँ ना जिसे तुम देख रहे हो? हाँ। मेरी परेड 4 बार पहले हो चुकी है। 4 बार? अच्छे कपड़े पहनो, मेकअप करो, सबको नमस्ते करो, मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो जब तक मुंह में दर्द ना हो जाए, चाय बनाओ और सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मिल्क फॉर यू, शुगर कितनी लेंगे आप? और सब आपको देख रहे हैं, चाय की एक प्याली भी खड़कनी नहीं चाहिए। और फिर इंटरव्यू शुरू होता है आपका। क्या पसंद है तुम्हें? जी मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है, घर का सारा काम भी कर लेती हूँ मैं। देखिए देखिए कितनी अच्छी हूँ मैं। आज तो आप प्लीज मुझे लेते ही जाइए। जी करता कि उनके मुंह पे चाय फेंकूं और बोलूं कि 100 जूते मारना पसंद है तुम्हें। I'm sorry. Sorry? Why? ठीक कहते हो तुम। It's disgusting. ये कोई बात हुई? जैसे लड़की को रिश्ता नहीं, जॉब चाहिए। In fact, you know, sorry, मुझे बोलना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था, वरना शुगर कितनी लेंगी आप? 1 चम्मच। एक? you said 4 बार, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की को, I mean, तुम्हें कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है? नो एक्चुअली, हाँ, तुम्हें कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है? कुछ होगा मुझ में जो उन्हें पसंद नहीं आता हो? ऐसा कुछ नहीं है तुम में। तो शायद उन्हें खूबसूरत लड़कियां पसंद है। अच्छा, तो आप तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती हो? ऐसा नहीं है। तो सुनो, मैं तुम्हें 10 में से 7.5 दूंगा। अंदाज गुड हाँ? ठीक है। तो होगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं इसलिए मना कर देते होंगे, सोचते होंगे कि मिस्टर मल्होत्रा की अपनी बेटी नहीं है। यही रीजन होगा, यू नो, ब्लडी समाज नो। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे जैसे लड़के की कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है? एक्चुअली है। तो फिर? मैंने किसी को बताया नहीं, के? तुम्हें बताने में क्या जाता है? क्या रे नाम है उसका? क्रिश्चियन है। वही तो प्रॉब्लम है, मालूम नहीं मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। इट्स गोना बी टफ ना, लेकिन झेलना पड़ेगा। हाँ। शादी करनी है ना उससे? ऑफ कोर्स, पिछले 3 साल से चला आ रहा है हम दोनों के बीच। 3 साल? दैट्स अ लॉट। हाँ, मेरा एक था वो 3 महीने भी नहीं चला था। क्यों, क्या हुआ? कोई और अच्छा लगने लगा? नहीं, ऐसा नहीं था, बस खत्म होना था, एक दिन हो गया। महेश नाम था उसका। ओह महेश। कुछ सीरियस नहीं था हमारे बीच, मजा आता था बस। कॉलेज के दिन थे, हम ड्राइव्स पे जाते थे, पार्टीज होती थी, और रात का कोई प्लान बनता था तो मैं घर में नहीं बताती थी, इस बालकनी से मैं उतर के जाती थी। तुम यहाँ से उतर के जाती थी? वाव, प्यार के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। प्यार व्यार नहीं था, मस्ती थी वो सब। यू नो, मैंने महेश के बारे में पहले किसी को नहीं बताया। मैंने भी कह रहे के बारे में किसी को नहीं बताया, बस तुम्हारे सामने सब निकलता गया बिना पूछे। मैंने भी सोचा अरे यार क्या बक रहे, तो फिर भी बकता गया। पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में, कैसी लड़की है ये, मगर तुम जो भी सोचो क्या फर्क पड़ता है। That's right. Right. हमें मिलना तो है नहीं ना? तो नीचे चले वरना सोचेंगे ऊपर क्या कर रहे दोनों एक कमरे में। That's right. चलो। ऐसे नहीं यहाँ, एकदम सीरियस जैसे आए थे। ऐसे? ओके। Best of luck. Best of luck to you too. For ha, thanks. आइए। Yeah. हाँ भाई, बताओ ना कैसा रहा? मम्मी, मुझे लगता है इस बार रिश्ता पक्का है। तुझे कैसे मालूम? जब एक लड़का लड़की कमरे से हाथ पकड़कर बाहर निकले तो इसका क्या मतलब होता है? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तब तो जी हो गया। ये लोग कह रहे थे कि लड़का ही पसंद करने वाला है, आपको क्या लगता है जी? हम तो भाई जॉइंट बिजनेस की भी सोच गए। चावला को मिठाई खिलाओ। हेलो ओबेरॉय जी, आप यकीन नहीं करेंगे,
लेकिन जैसे ही फोन की घंटी बजी मुझे लगा जरूर आप ही का फोन होगा। नहीं जी, वो तो बाहर गए हैं, लेकिन बताइए ना, मैं हूं ना। हाँ जी, हाँ जी। जी क्या क्या कहा आपने? लेकिन ओबरोई जी, ऐसी क्या बात हो गई? यहाँ तो आप लोग ऐसे दिखा रहे थे जैसे बात पक्की हो गई हो। कमाल है, आप जो दिखाएंगे हम वही समझेंगे ना। बहुत दोगले लोग हैं आप लोग। तमीज, आप मुझे तमीज सिखा रहे हैं? जाके पूछो अपने लफंगे बेटे से, पूछो से कि उसने कमरे के बाहर मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था कि नहीं। जरूर कोई बात होगी। बात है, उसकी नियत खराब है। चलिए मम्मी। अरे देखो देखो, ओबरॉय फैमिली के संस्कार देखो, कोई बात कर रहा है और ये लोग ऐसे चले जा रहे हैं। अगर आपको संस्कार की इतनी अच्छी समझ होती तो आपकी बेटी अपनी शादी तोड़कर आपके सर पर नहीं बैठी रहती। अरे मंदिर में खड़े और ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। अपनी बीवी से कह दीजिए कि गालियां हमें भी आती हैं, लेकिन हम पकते नहीं, क्योंकि हमारे पीछे कई पुश्तों की तहजीब है। मतलब क्या है आपका? क्या मतलब है आपका? मिस्टर मल्होत्रा, शोर मत मचाइए। अच्छा हुआ वीरे ने रिश्ता मना कर दिया, वरना आप लोगों का ये रूप बाद में सामने आता तो कहाँ के रह जाते हम। अबे अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देख फिर बात करना। तेरे जैसे ना 5-6 इधर से उधर कर सकता हूँ मैं। हम चाहे ना तो तुम्हारा सारा बिजनेस रुकवा सकते हैं। तो चाहो ना, चाहते क्यों नहीं? अब साला यही करना पड़ेगा। तो साला करो ना जाके, मगर दोबारा मेरी प्रॉपर्टी पर कदम मत रखना। नहीं तो क्या करेगा तू? तू क्या करेगा? अदिति, हाय। हाय। सुनो, तुमने कहा कि जल्दी मना कर देना, मैंने कर दिया, और उसकी वजह से हमारी फैमिलीज में इतनी टेंशन हो गई है। माफिया की तरह फाइटिंग कर रही हैं लोग। आई नो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, डोंट वरी। गुड। सो तुम कोई और लड़कों से मिली? लिसन, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, यू नो व्हाट आई मीन। अरे माफिया है तुम्हारे साथ? माफिया? बाय। लिसन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैरल रिन, क्या रिन? हाँ। घर वालों को बताया उसके बारे में? घर वालों को एक्चुअली मैंने कैरन को भी नहीं बताया। क्या? यू नो, शादी एंड ऑल। उसे भी नहीं बताया अब तक? बहुत ट्राई किया, लेकिन एक्चुअली मुझे मालूम नहीं कि वो क्या कहेगी। हाँ कहेगी, और क्या, प्यार करती है ना तुमसे? हाँ करती तो है, मगर उस तरह करती है कि नहीं करती है, आई डोंट नो। तारा, कोई किसी से प्यार करता है या नहीं करता है, तारा क्या है? ओके, तो मुझे कैसे मालूम कि मुझसे प्यार करती है? उसने तुमसे कहा नहीं है अभी तक। क्या? आई लव यू। वो तो हर कोई हर किसी को कहता है यार। तुमने इतनी अच्छी गिफ्ट दी है मुझे, आई लव यू। थैंक्स फॉर द हेल्प, आई लव यू। मैंने भी बहुतों को कहा है आई लव यू, उससे क्या होता है? व्हाट? 3 साल। हाँ, 3 सेकंड में ये पता चल जाता है। तुम्हें 3 सालों में समझ में नहीं आया? नहीं आया। ढक्कन हो तुम बिल्कुल। अच्छा? हाँ। मैं ढक्कन नहीं हूँ, ओके, कंफ्यूज्ड हूँ, होता है इस उम्र में। नहीं, तुम ढक्कन हो। तुम तो बहुत स्मार्ट हो यार। हाँ। तुम कैरन से मिल लो, फिर बता देना वो मेरे बारे में क्या सोचती है। ठीक है, मैं मिलने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आना। ओके। अरे ओके क्या है यार, माफिया तुम्हें मेरे साथ देख लेगा तो एटम बॉम्ब गिरा देगा तुम्हारे ऊपर। देखेगा तब ना। ओह गॉड। हेलो। हाँ, क्या तुम रियली आओगी? तुम मुझे इंस्टीट्यूट तक ड्रॉप करोगे? इंस्टीट्यूट? कौन सा इंस्टीट्यूट? अच्छा ठीक है, करूंगा। ठीक है। रियली? पहले मैं इन लोगों को हैंडल करती हूँ, फिर आधे घंटे बाद मिलते हैं। ओके, कहाँ? वो पीछे वाले रोड पर। ओके ओके। मुंबई के दो नामी परिवारों में जंग छिड़ी। लड़की वाले लड़के को मारने की धमकी देते हैं, पर लड़की हिम्मत वाली है, वो छुप छुप कर उस लड़के से मिलने जाती है। स्वीट हार्ट, आई एम सो सॉरी बट ट्रैफिक इतनी बढ़ गई। क्या समझते हो तुम मुझे? हाँ, मैं तुम्हारा 20 मिनट से यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ, और तुम, यू कांट टेक मी फॉर ग्रांटेड लाइक दिस।
एक तो वैसे ही मेरा मूड इतना खराब है आज। क्या हुआ? अदिति हम कैरन हाय अदिति, एक्चुअली एक बुरी खबर है इसीलिए। इट्स ओके। बात क्या है? ऑस्ट्रेलिया वाली आंटी आ रही है। कब? इस फ्राइडे को। ओह शिट। या शिट मैन, इसकी ऑस्ट्रेलिया वाली आंटी आ रही है। तो इस फ्राइडे को हम लोगों ने गोवा जाने का प्लान बनाया था, अब इसकी आंटी आ जाएगी, इसके फादर इसको जाने नहीं देंगे। तुम पूछ के तो देखो ना। वीरेन पता तो है हिल से नो, क्या फायदा पूछने का? इट्स नॉट हैपनिंग यार। तुम कोई बहाना क्यों नहीं बना लेती? यू नो जिसे तुम्हारे डैड रिफ्यूज ना कर सके। यू मीन मैं अपने डैड से झूठ बोलूं? ऑफ कोर्स। ये अच्छा है, ये झूठ बोलने वाली बात है ना, मैंने देखा हमेशा काम कर जाती है ना। और वैसे भी कह रहे ये जो डैड टाइप के लोग है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें सच बोल के। मगर बहाना क्या होगा? बहाना कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ गोवा से, और इंटरनेट फ्रेंड हूँ, और मेरी शादी हो रही है, और कैरन को शादी में आना है। ये नहीं आएगी तो मैं शादी नहीं करती, मैंने इसे पहले ही कहा और इसने मुझे प्रॉमिस भी किया था। प्लीज अंकल, सिर्फ 5 दिन की बात है। यू नो कोइंसिडेंस है, मेरी सिस्टर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, उसको भी अपनी इन-लॉज के पास गोवा जाना है। तुम्हारी शादी संडे को है यू सेड? हाँ। लवली, सैटरडे को मैं गोवा जाऊंगा अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने, कैरन मेरे साथ आ जाएगी, तुम वहां स्टेशन पे हमसे मिलकर इसको रिसीव कर लेना, ठीक है कैरन? वेल हैप्पी नाउ? गया अपना गोवा का प्लान। डोंट से दैट यार, हम गोवा जाएंगे, जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर कैसे? तुम्हारे फादर तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं सैटरडे को गोवा अदिति से मिलने। तो तुम लोग थर्सडे को चले जाओ और मैं सैटरडे को ज्वाइन कर लूंगी। अरे बट अदिति कहाँ है गोवा में? हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती, अगर वो भी हमारे साथ गोवा चले तो, तब वो स्टेशन पर मुझे रिसीव कर लेगी। कैरन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर टू कम। अदिति प्लीज, यही एक रास्ता है गोवा जाने का, तुम भी चलो हमारे साथ। कैरन प्लीज अदिति प्लीज, एक वीक की तो बात है आंटी, देखिए मना मत कीजिए आंटी प्लीज, शादी एक ही बार तो होती है और उसमें भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं आए तो क्या फायदा, प्लीज आंटी प्लीज। Hi. Let the journey begin. Hello. Ah, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा कर रहा हूँ। No. मैं अदिति सहानी, Bombay to Goa, Highway Number 17. No internet friend, no शादी। तो अब सवाल ये उठता है कि मिस सहानी दो अनजान लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हैं? बात बहुत सिंपल है योर ऑनर, सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बेचारी लड़की की शादी किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी उल्लू के पट्टे के साथ फिक्स हो सकती है। जी हाँ, और फिर मुझे कहाँ मौका मिलेगा गोवा जाकर मस्ती करने का, लोगों के साथ नाचने गाने का। तो मैंने सोचा टाइम है, मस्ती कर लो, कल किसने देखा है। Shit! Come on, we have to go. एक प्यारी गोवन मैं फंसाऊं, फिर उससे शादी बनाऊं, और उसके ही घर में घर बसा के जैसे भी हो जिंदगी यही बिताऊं। अभी अभी मेरे दिल में
ये ख्याल आया है अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया है जगह पे आके कुछ तो कर जाओ जवान लड़का लड़की एक ही कमरे में रात गुजारेंगे योर ऑनर का क्या होगा बाकी कमरे सारे कपल्स ने कैप्चर कर लिए हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कल आ रही है इसलिए यही कमरा खाली था नहीं ये पाप है डरो मत मैं तुम्हारी इज्जत पर हमला नहीं करूंगी तो भी ठीक है ऐसी कहाँ पे होगी मस्ती हवाओं में सबको उड़ा ले जाए ये अपनी बाहों में क्या बोलो यारो ये तो फट्टू जगह है योगी नॉइस बिल्कुल अपनी तरह है हर दिल यहाँ पे जैसे खुला आसमां है सारी दुनिया से जरा हटके ये जहाँ है पिघली हुई ये जवानी हसरत बड़ी है कोई साथ दे तो कर दूं यहाँ पे मैं कोई नादानी अभी अभी मेरे दिल में ये ख्याल ये खाया
चाह रहा हूँ तुम्हें, मगर मौका ही नहीं मिला। रियली? क्या कहना? ओप्स। ट्रैवलिंग कैन बी सो टायरिंग ना? या, आई नो। क्या कह रहे थे तुम? चलो बाहर चलते हैं हम। वीरेन अभी? हाँ। इतनी रात हो गई है यार। एक्चुअली मैं बस रिलैक्स करना चाहती हूँ। सॉरी। नो प्रॉब्लम्स। या? तुम जाओ इफ यू वांट टू। हाँ। या? ठीक है मैं जाता हूँ। ओके? यूं गया यूं आया। ओके? म्वा। या। बाय। You know, हम लोग मेन बात करना भूल ही गए। क्या? कैरन कैसी लगी तुम्हें? तुम क्या बोल कर आए हो उससे? मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कैरन तुम्हें मेरे साथ यहाँ देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? ये कौन सा एंगल है? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मुझे लगता है कि कैरन मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। ओह गॉड, कुछ हुआ? उसने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, कुछ कहा नहीं। हाँ तो फिर? कहने की बात नहीं है वीरेन, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो तो मुझे कहना पड़ेगा। उसे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। हाँ? उसे मालूम है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर चुका हूँ। ओके? फिर भी ऐसे समझते तब तो गधी है बिल्कुल। लेकिन मैं कैरन को जानता हूँ। ओके? और वो ऐसे सोच ही नहीं सकती। ट्रस्ट मी, मैं लड़की हूँ और कैरन भी लड़की है, और हम इन मामलों में तुमसे जरा स्मार्ट होते हैं। सुनो, तुम्हारा लेक्चर सुनने का मूड नहीं है मेरा। तो फिर क्या मूड है? वो पहाड़ी है ना, उस पे चढ़ के उस लाइट हाउस तक जाने का मूड है। तो जाओ। तो चलो। मैं क्यों चलूं? मर रही हो तुम जाने के लिए। ओके, मैं जानता हूँ, चलो। तुम कैरन के साथ आए हो, वो चाहती होगी तुम उसके साथ रहो। कैरन के साथ तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, है ना? हाँ। मगर तुम, इसके बाद हम कहाँ मिलेंगे यार? सो मैडम, टाइम है, मस्ती कर लो। कल किसने देखा? तुम्हारी पॉलिसी है ना? हाँ। सो जूते पहन लो, मैं हैंडीकैम ले आता हूँ। ओके? कैरन जागी होगी तो क्या बोलोगे? कैमरा साफ कर रहा हूँ। झूठ बोलोगे उससे? ऑफ कोर्स। बिच्छों को भगा रहा हूँ। ये जगह बिच्छों से भरी पड़ी है। अच्छा? हाँ। वाव, I love बिच्छूस। कभी कभी सांप भी निकल आते हैं यहाँ वहाँ से। क्या लक है मेरा, भेड़िए और शेर नहीं आते यहाँ? नहीं, मगर एक लड़की ने यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दी थी। उसका भूत जरूर आता है रात को। अदिति। क्या हुआ? जस्ट ए थॉट। हाँ? हमारे घर वाले हमें यहाँ देख लें तो क्या सोचेंगे? ये दोनों शादी के लिए मना करते हैं और 15 दिन बाद गोवा में रात के 2 बजे पहाड़ी पर अकेले बैठे हैं। क्या सोचेंगे वो? सोचेंगे नहीं, सीधा यहाँ से कूद जाएंगे। हाँ, और भूत बन जाएंगे ना। कैरन वो क्या सोचेगी? अरे यार, फिर कैरन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, हम दोनों हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं। यहाँ अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो फिर लगने दो। हर वक्त ये कैरन कैरन, आई मीन मानो से गलतफहमी हो भी जाए तो वो गलतफहमी ही होगी ना? हमारे बीच कुछ है तो नहीं ना? नहीं। तो फिर? और कैरन को कैसे मालूम पड़ेगा जब हम उसे बताएंगे ही नहीं? तो तुम उसे नहीं बताओगे? क्या ये जरूरी है कि हर एक को हर बात बताई जाए? अच्छा, और क्या,
देख ऐसी कई बातें होती हैं जो हम छिपा जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी. अरे खास करके अपनी गर्लफ्रेंड से. सी देयर आर थिंग्स जो मैं उसे नहीं बोल सकता हूँ, बट फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल सकता हूँ. जैसे? जरा हम भी तो सुने. जैसे जब मैं सातवीं क्लास में था तब मैं अपनी टीचर से बहुत प्यार करता था. वेरी ओल्ड स्टोरी. हाँ कुछ और बताओ. और हाँ, जब मैं अमेरिका में था ना तो स्ट्रिप्टीज देखने जाता था कई बार. रियली? वाओ, मुझे हमेशा दिल करता है कि स्ट्रिप्टीज देखूं. कैसा होता है? लो गलती कर ली ना. क्या, हम लोग शादी कर लेते तो अमेरिका जाके साथ स्ट्रिप्टीज देखते. योर फॉल्ट, तुमने ना कहा मुझे. अरे तो तुमने कहा उस दिन मुझे बोला कि तुम्हें नंगा नाच देखने का शौक है. बोल देती तो मैं तुरंत शादी कर लेता. ठीक है, अब मैं याद रखूंगी. अगला लड़का जो आएगा मैं तुरंत बोल दूंगी उसे. हाँ बोल देना. ऐसा भागेगा ना, ना बोलने भी वापस नहीं आएगा. विरेन. विरेन get up. Get up. सुबह हो गई. Shit, हम यहीं सो गए. I can't believe it. भागते हैं यार. कम. अदिति सानी, अरे मॉर्निंग गो. बैग. थैंक्स. कोंकण एक्सप्रेस 11 बजे डिपार्चर, सुबह 9 बजे दादर अराइवल. याद रहेगा? स्मार्ट. बाय 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 बाय. सो चल 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 बे, बस चालू कर. ओके. अरे टैक्सी. अरे यार गाड़ी क्यों चला दी? बात कर रहा था ना, बाय भी बोलने नहीं दिया. तू रोक दूं? अब क्या फर्क पड़ेगा? ये लो, ताली निकालो. जी सर. हाय अदिति. हेलो भैया. क्या शादी वादी कैसी रही? बहुत अच्छी रही. इट वाज वंडरफुल. कहाँ वीटी से आ रही हो? नहीं दादर से. 9 बजे पहुंची कोंकण एक्सप्रेस. गोवा से डिपार्चर 11 बजे हुआ था. और करमाली स्टेशन. चलो चलो तुम अंदर चलो, मैं पैसे दे देता हूँ. भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैं क्रॉफर्ड मार्केट. क्यों? आप मुझे इंस्टीट्यूट तक छोड़ दोगे? मैं ट्रेन से जाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी. हाँ मगर जल्दी करो. ओके. हाँ भाई साहब कितने पैसे हुए? 15 रुपए. 15 रुपए? अदिति, अदिति. हाँ? तुम्हारा किसी के साथ कुछ अफेयर वफेयर है क्या? नहीं दीदी, क्यों? अरे तूने कहा तू दादर से आ रही है और वो टैक्सी वाले ने बोला कि तूने दो ही सड़क छोड़ के टैक्सी पकड़ी. हाँ तो मैं दादर में उतरी, फिर वहाँ से मेरी फ्रेंड ने मुझे मिठी बाई तक लिफ्ट दी और फिर वहाँ से मैंने टैक्सी पकड़ ली. तेरा कुछ ऐसा वैसा हुआ तो तू हमसे झूठ नहीं बोलेगी, है ना? बिल्कुल नहीं. मगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर नहीं है. ओके? ओके. अब मैं भागूं? भागो. ओके बाय. बाय. भैया ये वही लड़का है ना जो अदिति को देखने आया था? ओबेरॉय का बेटा? हाँ विरेन. हाय. पता है हम दुनिया के सबसे बड़े इडियट्स हैं. क्यों? हम लोग क्यों मिले थे? शादी के लिए. अरे वो नहीं, उसके बाद. मुझे कैरन को देख के तुम्हें बताना था. हाँ और इस चक्कर में हम गोवा तक घूम आए, मगर ये बातों की ही नहीं. तो बताओ तुम्हें क्या सुनना है, सच या झूठ? जो भी सुनने में अच्छा लगे. ठीक है. कैरन अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है. ये सच है या झूठ? क्या फर्क पड़ता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना. अच्छा और? और क्या? बस इतना ही. पहली बार में ऐसा लगता नहीं, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है. और? सुनो मैं तुम्हारी लव लाइफ पर PhD नहीं कर रही हूँ. क्या? समझ गया. क्या समझ गए? वो ही जो तुमने कहा नहीं. जब मैंने कुछ कहा नहीं तो तुम समझे कैसे? यही तो चक्कर है, जो तुम कहती नहीं हो ना वो भी मैं समझ जाता हूँ. हमारे बीच कुछ है अदिति.
है ना? तुम याद रखना मुझे, ओके? ऐसे ही याद रखूंगा। अदिति, व्हाइट जैकेट, येलो टी शर्ट, ब्लू जीन्स। अच्छा हुआ तुम आए। आना ही था, आगे तो मिलना है नहीं, दी एंड तो ठीक से होना चाहिए ना। तो बाय। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहना तुम। तुम भी। अदिति This is so funny. जिंदगी में ऐसा ridiculous scene मैंने कभी नहीं देखा। Absolute most idiotic situation. पता है मैं जिंदगी में कई अजीब situations में पड़ चुका हूँ, मगर ये जो situation है इसका कोई मुकाबला नहीं। Hi, hello. Sorry मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम है? खैर जो भी नाम हो, देखिए जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा है नहीं। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम कहीं जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। आदित्य चलो। लिसन, यहाँ हम बहुत बड़ा कंफ्यूजन, लिसन मैन, यहाँ वर्ल्ड क्लास कंफ्यूजन हो सकता है। हाथ हटाओ। प्लीज लिसन, हम दोनों को जैसे तुमने देखा। मैंने कहा हाथ हटाओ। देखिए ये बात फैल के बहुत बड़ी बन सकती है, या फिर हम 5 मिनट बात करके सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन चूज कीजिए। भैया देखिए, आई एम सॉरी मैं आपका नाम भी भूल गया, लेकिन आप समझाइए ना इन्हें। अदिति बोलो ना तुम इनको। ओए तो सुन भाई। भैया तू मेरी बात सुन, समझा? सुनाओ। मैं सुन रहा हूँ, सुनाइए ना। तू बहुत स्मार्टनेस दिखा रहा है, ये स्मार्टनेस तू अपने बाप को दिखाना, समझा क्या? अरे तू चीटिंग कर रहा है भैया, प्लीज जाने दीजिए। अरे मैं बात कर रहा हूं इसलिए, ये चीटिंग कर रहा है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया, लेकिन यू आर नॉट कोऑपरेटिंग मैन। ये क्या कर रहे हो? देख तू। अरे मैं तो बस, मैं तो चुप हो जाओ प्लीज, घर तोड़ने वाला कहिए। आदिति यस, क्यों बता मुझे, तुझे ऐसा क्यों लगा फोन किया कि हम लोगों को इस तरह जलील करना चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां फोन करने की? तो कैसा था? नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज तो उसे मिली, मिली के नहीं। देखो ये घटिया इमोशनल ब्लैकमेल मेरे साथ नहीं चलेगा। okay? परसों मिली। नो, रोज मिलती रही। मैंने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया, दैट्स इट। प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या हम लोग इतने बुरे? नहीं नहीं नहीं। हाँ सोल्डर, और तुझे कोई भी। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। बात की थी मैंने, ये तुम्हारा नाम फिर याद नहीं आ रहा है, आपके बेटे जो भी नाम है मैंने कहा इनसे, मगर ये समझे नहीं, तो लगा कि आप ज्यादा समझदार होंगे। देवा गेट बंद कर दे, ये कमीना बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए कैसे कर रहा है ये। किया तो मैंने कुछ है ही नहीं, करूंगा तो मैं अब। तेरी बड़ी हिम्मत हो रही है ना, तू तू देख मैं क्या करता हूं। तू देख, तू देख क्या करोगे, मारोगे मुझे? सुनो मैं तुमसे डरता नहीं हूं, मैं चुप हूं सिर्फ अदिति की वजह से। देखिए अदिति बहुत अच्छी लड़की है, ओके, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस पे बेकार में टूट पड़े और उसे परेशान करें। हाँ क्या? आप मेरी बात सुन लीजिए, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। हाँ जाओ अदिति, अपने कमरे में जाओ। अरे आप इसे क्यों भेज रही हैं? मेरी बात सुन लीजिए, अगर कोई एक मिनट तुम जाओ वहां, उधर बैठो। थैंक्स मैन। देखिए जब मैं यहां से निकला था ना उस दिन, तो मैं Shut up! अब तुम्हें जो भी कहना है अपने पिताजी के आने के बाद ही कहना। पिताजी? अरे उन्हें क्यों, आई मीन बात तो और गलत फहमी और वो तो कुछ भी, और आप हमें हमारे बीच और। बैठ जाओ। मिस्टर ओबरॉय को फोन दो। देखा तूने? दामोदर मल्होत्रा एक बात बताओ बेटा। दादी। अरे बात करने देना बेटा। अच्छा ये बताओ वो है कि नहीं फोन? तुम्हें अदिति से मिलना अच्छा लगता है, मैं समझ सकती हूँ, मगर छुप छुप कर क्यों? हाँ अगर तुम उसे शादी कर लेते तो सारी जिंदगी ही मिलना रहता, जी भर के मिलते। दादी आप समझती हैं, ये लोग नहीं समझेंगे मगर। शट अप, आई एम टेलिंग यू, शट अप। प्लीज प्लीज चलिए,
आप चलिए, दादी मत चलिए, चलिए। मिस्टर ओबेरॉय, आपका बेटा वीरेन मेरे घर आया हुआ है, अच्छा होगा अगर आप भी चले आए। गॉड, हो गए लफड़े। भैया आई एम सॉरी आपका काम डिस्टर्ब हुआ, मगर ये लोग मेरी बात ही नहीं मानते। गुड आफ्टरनून डैड। क्या बात है मिस्टर मल्होत्रा? वो तो आपको बताना है मिस्टर ओबेरॉय। क्या इनकी बजाय आप बात कर सकते हैं? अरे देखो मैं बात कर रहा हूँ ना। आपका लड़का पिछले कई दिनों से मेरी भांजी से छुप छुप कर मिलता है, और वो भी इससे मिलने के लिए घर पर बहाने बनाती है। पहले तो वो शादी के लिए ना करता है, और फिर ये सब। आखिर किस तरह का बेटा है आपका? ये कमीना है आपका बेटा, मालूम है? कमीना है ये। रिलैक्स। तो फिर आपकी भांजी क्या हुई? जब वीरेन ने उसे शादी के लिए मना कर दिया तो छुप छुप कर क्यों मिलने जाती है? क्यों फंसाना चाहती है उसे वो? नो डैड, ऐसा नहीं। एक्चुअली फंसा वसा नहीं रही है। अगर तुम्हें जरा भी अकल होती तो तुम इनकी चाल को समझ सकते। सीधे तरीके से शादी नहीं हो सकी, इसलिए ये लोग अपनी जात पर उतर आए हैं। लड़की को पीछे भेजकर तुम्हें फंसाया जा रहा है। बताएं कैसे फंसाया जाता है? फंसा के दिखाऊं आपके बेटे को? अभी दिखाता हूं। आप एक मिनट फोन देना। एक फोन करूंगा ना तो ये आपका लाडला ही किसी के चार्ज में धर लिया जाएगा। एक मिनट आराम से। मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये दोनों मिल रहे हैं, मगर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले कई दिन तो वीरेन था ही नहीं बंबई में। ये तो अभी कुछ घंटे पहले लौटा है। कहां गया था? गोवा। गोवा? चलो भैया, वरना ये लोग कहेंगे कि गोवा जाना भी पाप है। इसका मतलब है तू मेरी बेटी के साथ गोवा गया था? What's wrong with her? शादी कह के गई थी, लेकिन शादी के एक भी कपड़े नहीं थे, बस जीन्स और टॉप्स ही थे। जीन्स एंड टॉप्स, look at her logic। अरे ये छिछोरा इंसान, ये उस दिन अदिति से शादी करने नहीं आया था, मस्ती मारने आया था। अरे यहाँ उसने उसका हाथ पकड़ लिया, पता नहीं गोवा में क्या किया होगा। हेलो, पागल हो गए हो क्या? समझ में आ रहा है क्या बकवास कर रही हो? सुनो तुम, जो भी नाम है तुम्हारा, इन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाओ। हाँ, सर्टिफाइड डॉक्टर। इन्हें मेजर प्रॉब्लम है डैड, मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनका ऐसा सोसाइटी में घूमना डेंजरस हो सकता है। चलो भैया लेट्स गो, कम ऑन। मेरा दिमाग खराब था कि मैं आपकी हेल्प करने आया। डैड ये नए नए पैसे वाले ना ऐसे ही होते हैं। साले कमीने, देख लूंगा तुझे। शट अप गोपाल, शट अप। इट्स ओके मिस्टर ओबेरॉय, थैंक यू। ये क्या कहते? पापा तुम क्या नहीं छोड़ोगे उसे जब हमारी अपनी लड़की रंग दिखा रही है? कमजोरी हमारे अंदर है, किसी से जिक्र भी मत करना इस बात का। वीरेन अब तुम मुझे बताओ चक्कर क्या है? क्या हो क्या रहा है? व्हाट शिट। भैया आप निर्मल को संभाल लेना। अरे मेरी बात तो इमरजेंसी है भैया। अब स्वीट हार्ट आई एम रियली सॉरी बट इट्स बीन क्रेजी। क्या सीन हुआ था तुम्हें बताऊंगा तुम बिलीव नहीं करोगे। पार्टी में जा रही हो? पार्टी में आई हूँ। व्हाट्स हैपनिंग? कम बात क्या है? तुम बताओ क्या बात है? तुम मुझे बहुत दिनों से कुछ बोलना चाह रहे हो ना, आई मीन पूछना चाह रहे हो, राइट? अच्छा वो कारण जहां से मैं आ रहा हूं ना वहां पे। Karen, will you marry? Oh, stop it, Viren. ऐसे करोगे तुम मुझे प्रपोज? No. Excuse me. Sorry. Karen, power failure हो गया, okay? अभी मैं नहीं कर सकता। Come on, Viren. हर कोई मुझसे पूछेगा कैसे किया वीरेन ने प्रपोज, मैं क्या बोलूंगी उनको कि पाव फेलियर हो गया था।
do something. Stop for 1 minute. You girls, just a moment, please, you two. Ladies! And... Oh, no. Maya! God. मैं सीधे सादे ढंग से कहता हूँ अपनी बात, एक घर बसाना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। क्या दोगी मेरे हाथों में, बोलो तुम अपना हाथ।
हाथों में बोलो तुम अपना हाथ। Yes! आंटी मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो। मम्मी डैडी भी शायद मेरे लिए इतना नहीं करते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हेलो अदिति, हाय, सुनो सीन क्या है वहाँ पे? जी आपको कौन सा नंबर चाहिए? ओ, वो लोग तुम्हारे पास हैं? अच्छा बस इतना इशारा कर दो कि सॉरी दिस इज 631-9211। मैंने झूठ कहा था कि मैं शादी में जा रही हूँ, मगर मेरा ऐसा वैसा कुछ नहीं है इसके साथ या उसके साथ या किसी के भी साथ। मैं गोवा गई थी और वो भी था, मगर हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। हाँ हाँ, बहुत नेक इरादा था आप लोगों का। तीर्थ यात्रा पे गए थे ना आप लोग? अदिति इधर आओ। जैसे कि हम लोग कल ही पैदा हुए थे। बैठो। अंकल प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। नहीं अदिति, यकीन की बात तो तुम मत करो। आज पहली बार मुझे पछतावा हो रहा है कि क्यों वादा किया था मैंने तुम्हारी माँ से। घबराओ मत, हम तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसको अच्छी तरह से सेटल कर देंगे। खैर वादा किया है तो निभाएंगे। अंकल आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करूंगी, आई प्रॉमिस। फिर शायद आपको यकीन होगा कि मैं सच बोल रही हूँ। मैंने चावला को फोन किया है, वो जल्दी खबर लाएगा। हेलो विरेन, बाहर अनजान लोग तुम्हारे लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो, क्या बात है? कुछ नहीं। यू लुक टेंस। टेंस तो होऊंगा ही ना, यू नो कैथलिक, हिंदू, तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली। डोंट वरी, हम दोनों साथ हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, स्टेप नंबर वन, मेरा हाथ मांगने कब आओगे? अभी तो मांगा है हाथ, कितने हाथ मांगने पड़ेंगे मुझे? विरेन वो तो मुझसे मांगा ना, मेरे डैड से नहीं मांगोगे मेरा हाथ? गॉड, मुझे मालूम है इस दुनिया का सच क्या है। ये दुनिया बटी हुई है, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, रंग के नाम पर। जात के नाम पर ये वो सरहदें हैं जिसे इंसान ने खींची हुई है। लेकिन इन सब से ऊपर है वो जिसे इंसान ने नहीं, ऊपर वाले ने बनाया है, प्यार। प्यार वो धागा है जो मुझे आपसे जोड़ता है, और इसी प्यार की खातिर मैं आपसे आपकी बेटी कैरन फर्नांडिस का हाथ मांगता हूं। That's all. बैठो। Thanks. ये कौन लिखा है? जी क्या? ये स्पीच? स्पीच नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही मैंने लिखा है। तुमने? जी लिखा कैरन ने है, लेकिन मैंने भी कुछ यहाँ वहाँ। तुम ये सब में बिलीव करते हो? जी किस सब में? यही जो तुम स्पीच दिया और क्या? थोड़ा बहुत। थोड़ा या बहुत? बहुत। तुमको आइडिया है कि तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम दोनों का lifestyles, families कितना अलग है मालूम है तुमको? और जो values है वो भी? I don't think so. I mean, हाँ, sure, फर्क तो है। जैसे हमारे घर में ऐसा सोफा कोई नहीं लाएगा, और यहाँ पे जो कैंडल्स भरे पड़े हैं, I mean, come on, जब बल्ब है तो कैंडल की क्या जरूरत? लेकिन मेरी माँ ने भी मुझे वही सिखाया है जो आपने कैरन को, जैसे बड़ों की इज्जत किया करो, सच बोलो, सही काम करो, यही वैल्यूज हैं हमारे और आपके भी, एक नॉर्मल हिंदुस्तानी घर के वैल्यूज। और ये सेम है तो फिर
क्या फर्क पड़ता है कि आप मोमबत्ती जलाएं और हम अगरबत्ती? तो तुम रिलीजियस नहीं हो? नो, मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता। और तुम्हारी फैमिली? अनफॉर्चुनेटली। इसमें अनफॉर्चुनेट क्या है, मैं भी रिलीजियस हूँ। ये तो अच्छा है कि वो भी रिलीजियस हैं। मगर क्या तुम्हारी फैमिली में कैरन को वैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा जैसी वो है? ऑफ कोर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे वेरी कूल। तो फिर विस्की या वोडका? सॉरी, विस्की या वोडका? विस्की। कंग्रेचुलेशंस। एंड आई सपोज अब तुम कैरन को मिलना चाहोगे? कैरन, विरेन को अपना रूम दिखाओ। अदिति, विरेन को अपना कमरा दिखाओ ना। कम। Oh my God, Viren, it has happened. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, you were so good. पापा तो मेरे तो फैन हो गए तुम्हारे। Wow, I love you. Congrats. Thanks, you too. अब चलो, डैड का बार खुल गया होगा। करने कॉल कर लूँ मैं? पर किसको? अदिति को। Poor girl, वो लोग उसे बहुत सता रहे होंगे, मैं जानता हूँ। मेरी आवाज तो पहचान लेंगे। तुम करोगी कॉल तो जैसे वो फोन पे आएगी मैं ले लूंगा। अभी अभी मेरे डैड ने हाँ कहा है मेरे और तुम्हारे लिए। बाहर वो तुम्हारे लिए ड्रिंक बना रहे होंगे। ये हमारी जिंदगी का सबसे हैप्पी मोमेंट है और तुम इस वक्त अदिति के बारे में सोच रहे हो? वैसे थोड़ी है। Viren, what the hell is wrong with you? It's just that मुझे फोन दिख गया, लगा कि एक कॉल कर लूं। मगर तुमको ये सब इस वक्त याद कैसे आया? Okay guys, you got all your lives to fight. Come and have a drink first. Smile. Don't worry, मैं इसको संभाल के घर छोड़ दूँगा। Bye. 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 Good night. बुड्ढे ने तो बजा डाली यार। तूने मना क्यों नहीं किया उसको? अरे वो सुनता किधर है? मैं बोला उसको, बॉस, थैंक यू वेरी मच। हाँ। लेकिन मेरे को इतनी पीने की आदत नहीं है। चल 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 चल। फिर भी वो वन मोर यंग मैन, वन मोर यंग मैन करके मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया यार। हाँ, चल बैठ 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 बैठ। अब ये हालत है तो फिर शादी के बाद क्या करेगा वो? हाँ, मेरी तो वाट लगा देगा वो। चल चल। अरे तूने पहचाना नहीं उसे? चुप करना। एक पूरी बोतल अंदर करके फिर भी खड़ा अपने पैरों पे। अभी भी साला अंदर लगा होगा। वन मोर। शिवा, गाड़ी रोक। क्यों? अरे रुकना यार। यार अरे रुक रुक, गाड़ी में नहीं, होल्ड इट। यहाँ पे कर ले। अरे वो नहीं यार। तो वो देख, अदिति है ना? हाँ? उसका घर है ये, और वो जो बालकनी है ना, उसके पीछे उसका कमरा है, वहां रहती है वो। अबे बेवड़े, तेरी शादी होने वाली है अभी, अब तो पराई लड़कियों पे नजर डालना बंद कर। चल बैठ, आजा। पराई लड़की। मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। अगर कभी तुम गुजरता देखो, क्या तुम मुझे बुलाओगी? शायद नहीं। अगर जो फिर हम कभी ना मिले तो क्या तुम याद आओगी? नहीं, क्योंकि तुम मेरी कोई नहीं। मैं जानता हूं मगर हो जब मेरी कोई नहीं।
क्यों लगती हो मुझको पराई नहीं हो अजनबी से इतनी न की थी बातें कभी जो चाहा दिल ने कहता गया मैं तुमसे कोई भी दूरी मुझे लगी ना कभी फादर को तो तुम बोल आए हो कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पता है कैसा बम फूटने वाला है जब सब लोगों को मालूम पड़ेगा यहाँ तुम कहो ना क्या करना है आज जरूरत पड़ी तो याद आ रही हूँ मैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ और बाकी सबके लिए वैम्प बन जाऊँ अरे मेरे घर की हीरोइन कभी वैम्प नहीं बन सकती और ज्यादा नाटक मत करो ओके मुझे मालूम है तुम मेरी मदद करोगी तीन साल तुमने मुझसे ये बात छुपाई कैसे पर बताया तो तुम्हें ही है ना पहले सॉरी किसी और को भी बताया मैंने किसे अदिति को मिस्टर मल्होत्रा उनके घर गए थे हम तुम पागल हो वीरेन उसे बताने की क्या जरूरत थी पता नहीं भाभी उसमें कुछ है उसके साथ मैं सारी बातें शेयर कर लेता हूँ शेयर कर लेता हूँ हाँ 5 मिनट उसके साथ उस कमरे में रह के तुमने क्या क्या शेयर कर लिया उसके साथ उस कमरे में गोवा में गोवा तुम्हारा मतलब है कि वो लड़की तुम्हारे साथ गोवा में थी तुमने झूठ बोला ऑफ कोर्स उस वक्त तो मैं ये नहीं कह सकता था ना कि कैरन भी गोवा गई थी और ये कि मेरा चक्कर कैरन के साथ है एनीवेज तुम्हें कैसे लगी वो मुझे क्या मालूम तुमने कभी मिलवाया है मुझे मिली तो हो तुम मैं कब मिली हूँ कैरन से कैरन नहीं अदिति वो कैसी लगी तुम कैरन से शादी करना चाहते हो ना हाँ तो फिर ये अदिति कहाँ से आ गई बीच में अदिति नहीं आई बीच में भाभी मैं बस पूछ रहा हूँ मत पूछो अपनी खोपड़ी साफ रखो समझे और ये सोचो कि अब आगे क्या करना है तुम्हें जैसे कि डैडी को कैसे बताओगे निर्मल से निर्मल तो तड़ी पार कर देगा भाभी लेकिन तुम्ही को बताना है ना वीरेन हाँ और जल्दी बताना इससे पहले कि वो किसी और के मुंह से सुन ले डैड मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं
क्या सही है क्या गलत है उसका अंदाज है मुझे। I'm 24, relax. आखिर रिलीजन हमें क्या सिखाता है हाँ? दूसरों से प्यार करना। प्यार वो धागा है जो हम सबको जोड़ता है। कहाँ है साहब? बाहर गार्डन में। भिड़ जाए बेटा, देखा जाएगा। क्या किया है तुमने अपनी जिंदगी में? तुमने कैसे सोच लिया कि तुम जाकर किसी भी लड़की को प्रपोज करोगे और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? हमारे समाज में कभी ऐसा होते हुए देखा है तुमने वीरेन? एक ही रिलीजन हो, एक ही कास्ट हो, फिर भी कोई समाज के बाहर जाकर शादी नहीं करता। क्या गीता में कृष्णा ने अर्जुन से ये कहा था कि हे पार्थ, सब करना लेकिन कैथलिक के साथ शादी नहीं करना? धर्म, समाज, रिवाज किस लिए बने? ताकि तुम जैसा कोई बेवकूफ गलती ना कर बैठे, समझे? और जी अपने समाज में एक से एक कुड़िया है, अब ना होती तो समझ में आता कि कोई दूसरे धर्म में ढूंढ रहा है। जी क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा भाभी जी? वीरेन के एक दिन बच्चे होंगे, उन्हें क्या सिखाएगी वो? हमारा कल्चर दे पाएगी उन्हें? उसके लिए मैं हूँ ना। और फिर वीरेन भाग के शादी तो नहीं कर रहा, आप सबकी परमिशन मांग रहा है। नमिता, अब और तरफदारी मत करो उसकी, शहरों में फैशन हो गया है, हो संभालते लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। वीरेन को मालूम भी है कि रिश्ता क्या होता है? ऐसा नहीं है डैडी, वीरेन अब बच्चा नहीं रहा। क्यों, बड़ों वाला कौन सा काम कर दिया उसने? अमेरिका से आए, उसे 9 महीने हो गए, आज तक कभी ऑफिस गया है? कभी कोई काम की बात की उसने? डैडी बस, मैंने फैसला कर लिया है, वीरेन उस लड़की से शादी नहीं करेगा, और आज के बाद ये टॉपिक इस घर में कोई भी नहीं छेड़ेगा, समझी? Is that clear? I'm sorry, Daddy. अगर मुझसे कोई बदतमीजी हो गई हो तो मुझे तो सिर्फ डर था कि कहीं वीरेन हम सबसे दूर ना चला जाए। मुझे लगा कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो वो भी हमारी बात समझ जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा, इसलिए I'm sorry. कोई फायदा नहीं है वीरेन, कोई फायदा नहीं है। हाँ? इन लोगों ने फैसला कर लिया है। किस बारे में? किस बारे में? पिछले 2 हफ्तों से किस बारे में बात हो रही है इस घर में? अच्छा वो, ऐसा क्या देख रहे हो जो इतना जरूरी है? ये क्या है? ये वही लड़की है ना? अदिति, घर में हंगामा हो रहा है कि तुम एक कैथलिक लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? डैडी चिल्ला रहे हैं, मम्मी नाराज है, नरेन और मैं पागल हो गए उन्हें समझाते समझाते, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और तुम यहाँ बैठकर किसी दूसरी लड़की का कैसेट देख रहे हो? क्या क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं भाभी। पता नहीं तो पता करो, और नहीं कर सकते तो हम लोगों को माफ करो। अब पता तो करना चाहिए। जाओ वीरेन, वीरेन, वीरेन,
मैं कुछ पता करने आया हूँ। क्या पता करने आया हूँ? कि मैं घर से कैसे निकाली जाऊंगी? गुस्सा हो मुझे? बहुत। मारोगी मुझे? हाँ, जान से मार दूंगी। क्या है अदिति? हाँ, मेरे तुम्हारे बीच मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया पहले, जो कैरन के साथ है। मुझे लगा कि वो प्यार है, लेकिन वो प्यार है तो फिर ये क्या है? तुम जाओ, जाओ विरेन। क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? विरेन, मैं सचमुच में तुम्हें जान से मार डालूंगी। अभी जान से मार डालोगी? किल में तन्हा
खुशी खता और इसकी सजा यो पाएंगे सोचा ना था कभी दिल के करीब तुम भी मेरे नसीब यो लाएंगे सोचा ना था एक चाहत I'm telling you, what are you doing? God. Viren, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि तुम सही और मैं गलत हूं. तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि समाज मजहब सब अपनी जगह है लेकिन प्यार सबसे ऊपर है. देखो ना आज प्यार ने हमें भी मिला दिया. अरे स्टैचू की तरह क्या खड़े हो बेवकूफ. डैडी ने हाँ कह दी है. मेरे को मालूम था तू लोचा करने वाला है. वो सिनेमा हॉल याद है? कैरन अंदर से कैसी है, कैरन बाहर से कैसी है? बोल दो क्या उसे सब कुछ. प्यार किया तो डरना क्या. बता दे कि कैरन अब तो सभी लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो चुके हैं. पर एक काम करते हैं, हम शादी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि तेरे से प्यार व्यार तो करता नहीं मैं. और लव के बिना लव मैरिज कैसे हो सकती है. अरे ये नहीं हो सकता, कैरन की तरफ से ना हो जाए. तू पागल हो गया क्या? वो काहे को ना बोलेगी? वो ना नहीं कहेगी, उसका बाप ना कहेगा. वो कैसे? मिस्टर फर्नांडिस बहुत गुस्से वाला आदमी है. हाँ तो गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है. नमस्ते अंकल. विस्की यंग मैन. क्या अंकल आप भी. मैं कोई खानदानी दारूबाज लगता हूँ जो हर वक्त चढ़ाता रहूं, मगर आप तो पियो पियो अंकल. अंबा, अंबिका, अम्रपाली, अमिता, अमूल्या. माँ को अंबिका पसंद है, भाभी को अमूल्या, मुझे कुछ भी चलेगा. आप क्या कहते हैं? मैं समझा नहीं. नाम आपकी बेटी के लिए? कैरन. अब नया नाम तो रखना ही पड़ेगा ना, शादी के बाद क्रिश्चियन थोड़ी ना रह जाएगी वो. और हमारे पंडित जी कहते हैं कि जन्म तिथि के अनुसार कर्क राशि में उसका नाम अम से शुरू होना चाहिए. अम. What? What the hell are you talking about, young man? कन्वर्शन का बात तो कोई नहीं किया. इसीलिए तो यंग मैन आया है यहाँ पे बात करने. देखिए हम लोग. एक मिनट, आपकी बेटी ने नॉनवेज तो छोड़ दिया है ना. नो मीट, नो चिकन, नो एग्स, नानी ऑफ ब्लडी नॉनसेंस. शुद्ध शाकाहारी. और जब शादी के बाद वो आपसे मिलने आएगी तो ये घर भी शुद्ध शाकाहारी. और ये खैर अभी तो ठीक है, मगर शादी के वक्त जब आप पूजा में बैठेंगे तो. कौन पूजा? पूजा में नहीं बैठेंगे आप लोग. रस्कल ने कहा हम पूजा करेंगे. डैड,
वो तो कह रहे थे कि सब कुछ ऑब्वियस है, फर्नांडिस भी समझदार है, ये आप सब कर लेगा। बट भैया सेड नो, बुढ़े की मोटी खोपड़ी में बात बैठी नहीं होगी, तुम जाके समझाओ। और मैं आ गया। I can't believe this conversation. Oberoi, Naren, उस वक्त तो कितना सेक्युलर बन रहे थे, और तुम? हाँ? तुम तो कह रहे थे तुम रिलिजन को नहीं मानते जब तुम मैरिज प्रपोज करने आए थे। शादी शादी, I mean, हमारे समाज में मैरिजेस नहीं होती। अच्छा, अब याद आ रहा है तुम्हारा अपना समाज। मिस्टर फर्नांडिस, प्लीज हमारे समाज के विरुद्ध कुछ ना कहिए, ये हमारे रिवाज हैं, और अंबिका की खातिर आपको इनका पालन करना ही पड़ेगा। अंबिका, अंबिका ही बेस्ट नाम लग रहा है मेरे ख्याल से। तुम अपने ख्याल अपने पास रखो, यू जर्क। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग माइनॉरिटी है तो तुम लोग हमको दबा दोगे और हम दब जाएगा। चलो, मेरे बिना बोले ही आप समझ गए, बाकी सब भी आप समझ जाओगे। चलो, अच्छा हुआ ये बातें हो गई, सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए। नाउ फॉर सम व्हिस्की अंकल। आउट, आउट ऑफ माय हाउस। अंकल चिल, आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो रहे हैं? गर्म? अगर मैं गर्म हो जाता तो तेरी डेड बॉडी जाती थी यहाँ से। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, शादी तोड़ने से पहले आप जरा सोच लीजिए। अच्छा है कि मैं सिर्फ शादी तोड़ रहा हूँ, तेरी गर्दन नहीं। ऐसी बातें मत कहिए अंकल, मैं जानता हूँ, कल आप खुद सर झुकाकर कैरन को हमारे घर भेजेंगे। तुम जैसा कमीना लोग का घर में कोई अपना कुतिया भी नहीं भेजेगा। मिस्टर फर्नांडिस प्लीज, ये बात हमारे दोनों के बीच है, आप कैरन को कुतिया मत कहिए। सैड, व्हाट द हेल, कैरन, यू रास्कल, आई विल किल यू, आई विल किल यू। तेरा बदन की सब हड्डी तोड़ के तेरा बाप के हाथ में दे देगा। Next time I see you, you're dead. Ah shit. Whoa, man. वो शादी तोड़ देगा। I did it. सुना मैंने। Shit, Karen. Viren. You witch! चरण क्या हुआ? अच्छा, तुमको तो पता ही नहीं क्या मुझे हुआ? मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ। Oh, so innocent, हाँ? Like a baby. यही मासूम चेहरा बना के तुम फंसाती हो लड़कों को, हाँ? गोवा जाके तुम दोनों की हेल्प करूंगी। Problem क्या है? Excuse me. मेरे फियांसे के दिमाग में पॉइजन भर रही है ताकि वो मेरे घर आए और रिश्ता तोड़ दे। I know, okay? तुम्हारी वजह से वो मुझे अवॉइड कर रहा है। अदिति, don't try to fool me, okay? कौन फियांसे? Viren. Viren? कुछ कंफ्यूजन है, सच में मैं सच्ची नहीं जानती। अदिति, ऑल राइट, यू आर एन इनसिक्योर वुमन। मौका मिलते ही तुम उसे चिपक गई और सांप की तरह धीरे धीरे करके उसे फंसा लिया। बट अदिति, रिमेम्बर, जस्ट रिमेम्बर दिस, वो एक बार फिसल गया होगा इसका मतलब ये नहीं वो मुझे छोड़ देगा। तुम्हारा जो बकवास प्लान है ना अदिति, वो कभी पूरा नहीं होगा। आई जस्ट नीडेड टू कलेक्ट दैट। आंटी, समझ गई मैं, ये जो लड़की कह रही थी सब झूठ था। गोपाल ने जो देखा वो भी सब झूठ था। गोवा जाने वाली बात भी झूठी थी। सोनल ने जो कहा कि विरेन ने तेरा हाथ पकड़ा, वो सब झूठ था। मेरी सारी दुनिया ही झूठी है, बस तू एक सच्ची है, यही तो कहना चाहती है ना? दोस्त, ये स्टेप पार कर लिया तूने तो सब कंट्रोल में। हाँ। अंकल को सब बोल देना, डरना मत। डरता नहीं हूँ, ओके, रिस्पेक्ट करता हूँ, बाप है मेरा। हाँ हाँ, करनी भी चाहिए। तू जा, ऑल द बेस्ट। मैं हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। जी जी नहीं, ना मैं कुछ सुनना चाहता हूँ ना कहना चाहता हूँ। प्लीज आप फोन रख दीजिए। हद हो गई, आप सुनने को भी तैयार नहीं है क्या? हमें शौक है आपसे बात करने का? देखिए मिस्टर ओबेरॉय, मैं अपनी भांजी की शादी तय कर रही हूँ, और अगर आपका लफंगा बेटा यहाँ आस पास भी नजर आया। अरे मेरा बेटा तुम्हारे घर थूकने भी नहीं आएगा, समझे आप? खबरदार, दोबारा यहाँ फोन किया तो। क्या बोल रही थी डैड? गुड इवनिंग डैड। कुछ नहीं, वही रट लगा रखी है।
कि ये अभी भी मल्होत्रा की भांजी में इंटरेस्टेड है? Ridiculous. उन्हें क्या मालूम है कि भाई साहब ने जमाने के नाक में दम कर रखा है कैरन के लिए? सुनो, अगर ये लड़की तुम्हें कहीं मिले ना तो फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कौन? अरे मल्होत्रा की नीस यार. हाँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत ही घटिया लोग हैं, और आफ्टर ऑल ये लड़के और लड़की का मामला है. कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे ये लोग हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं. कम है. 27 सितंबर कैसा रहेगा तुम्हारी शादी के लिए? डैड, वो क्यों? सितंबर बहुत जल्दी है क्या? नहीं, बहुत दूर है शायद. अरे बिग ब्रदर, समझाओ अपने किड ब्रदर को. समझ जाओ किड ब्रदर, जब 3 साल हिम्मत रखी है तो 3 महीने और सही. देखो, अभी तक हमने शादी की डेट तय नहीं की है. कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. अरे भाई कुछ तो कहो. कुछ नहीं. तो 27 सितंबर में पक्का समझो? जी. फाइनल जवाब? फाइनल जवाब. अदिति. हाँ. थैंक गॉड, 20 बार फोन ट्राई किया मैंने तुम्हारा. अच्छा, कैरन आई थी क्या? विरेन, हो सकता है हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुन. ऐसा क्यों बोल रही हो? विरेन, तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है, अंदर मेरी शादी की बात चल रही है, हमारा फैसला हो चुका है. व्हाट डू यू मीन हमारा फैसला हो चुका है? हाँ, हमारा फैसला हम करेंगे, कोई दूसरा करेगा? मेरी सिचुएशन को समझो तुम विरेन. अंकल आंटी ने 7 साल मुझे रखा है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब कोई रास्ता नहीं है. अब तुम ऐसा नेगेटिवली सोचोगी ना तो फिर ऑब्वियसली कोई रास्ता नहीं होगा. और तुम कैसे समझाओगे सबको कि अब तुम्हें कैरन पसंद ही नहीं है? वही कैरन जिसके लिए तुमने सबसे लड़ाई की, जिसके तुमने सपने देखे थे. ये सपने सच क्यों हो जाते हैं यार? और होना ही था तो फिर मैंने तुम्हारा सपना क्यों नहीं देखा? मैं सपना नहीं थी विरेन, मेरे लिए तुम्हें बस एक बार हाँ कहना था. तुम्हें हाँ ही तो कह रहा हूँ ना, मैं हाँ ही तो कह रहा हूँ. अपनी आंखें खोलो विरेन, फॉर गॉड्स सेक बी प्रैक्टिकल यार. हमें हमेशा जो चाहिए वो नहीं मिलता है विरेन. लिसन टू मी, मैं कैरन के फादर से मिला था. कोई आ रहा है विरेन, मैं जा रही हूँ. ओके ठीक है, तुम जल्दी वापस आ जाना, मैं यहीं वेट करता हूँ. हम फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है. ओके? अब कुछ नहीं करना विरेन, मैं नहीं आऊंगी वापस. बाय. तुम हार क्यों मान रही हो? हाँ, सुनो मेरी बात विरेन, प्लीज अब कुछ मत करना. मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हो सकता. बाय. हो सकता है आदित्य, तुम तैयार है ना? नहीं विरेन, अब कुछ मत बोलना. बाय आदित्य. सुनो. बाय विरेन. आपको बुला रहे दीदी. चल. क्या बात है? भाभी, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूं. देखिए, पहले सब लोग कैरन के अगेंस्ट थे, राइट?
उनकी एक लॉजिक थी। आज हमने उन्हें मना तो लिया है, मगर क्या उनकी लॉजिक को गलत साबित किया है? कहते थे ना सब कि इस घर का तौर तरीका है, एक हमारे समाज वाली लड़की होगी तो फिर हैंडल कर पाएगी, जैसे आपने किया है। मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता हूँ, अब मेरी जिद पूरी करने के लिए पूरे घर में टेंशन भर दूं, ये मुझसे नहीं होगा। What do you say? ये वही लड़की है ना? तुम हो क्या विरेन? हाँ, तुमने हम सबका जीना हराम कर दिया था इस शादी के लिए, और अब जब सब कुछ फिक्स हो गया है तो कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अदिति चाहिए? तुम्हें कोई मेंटल बीमारी है क्या? भाभी, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी, ये सब करते हुए मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भाभी, अदिति बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद आएगी, मैं जानता हूँ। नहीं विरेन, वो मुझे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जब भी मैं उसे देखूंगी मुझे ये धोखा याद आएगा जो आज तुमने मुझे दिया है। विरेन, कहाँ हो तुम? विरेन, विरेन, तुम सही कहती थी, ये दुनिया हमें साथ नहीं रहने दे कहती थी, मगर रहना किसे इस दुनिया में? हाँ, ये क्या है? ओ, ये वो है, अदिति लड़की को अपना कमरा दिखाओ। आई सी, मुझे भी ये कमरा दिखाया गया था। हाय विरेन। इधर है। अंदर है साहब। कौन? अदिति, मैं सब छोड़ के आया, घर, माँ बाप, सब। मुझे उनके और तुम्हारे बीच किसी एक को चुना था, मैंने तुम्हें चुना है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते अदिति, हम दोनों अडल्ट्स हैं, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं सब संभालूंगा। अदिति, तुम जानती हो कि सच क्या है। अदिति, तुम बस मेरे साथ चलो, और किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं है। एक मिनट, छोड़ो इसे। विरेन, ये है महेश, मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने बताया था ना, मैं बालकनी से कूद कर जाती थी, ये वही है। हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर अब सब क्लियर है। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने कहा था ना, हार मत मानो। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलो विरेन। बकवास मत करो। देखो, ये हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, यहाँ गलती मत करना। मैंने फैसला कर लिया है विरेन। लिसन टू मी, विल यू? मैंने फैसला कर लिया है विरेन, मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, समझ रहे हो तुम? ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। ले जाओ उसे। सॉरी यार महेश, ये सब क्या है? हमारा पागल है यार, कई दिनों से इसने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। नो प्रॉब्लम, आज के बाद इसका टंटा ही खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो, अभी कम से कम 25 शादियां करवा चुका हूँ। जी, चावला के काम में कभी कोई नहीं, नहीं, नहीं। हो जाएगा जी। ऐसी कोई बात नहीं।
उधर ले जाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबेरॉय, आप तो बड़ी बातें करते थे अपने लड़के के बारे में कि आपको उस पर कितना भरोसा है वगैरह, मगर आज जब मेरी भांजी को देखने लड़के वाले आए हुए हैं तो आपका वही बेटा चोरों की तरह मेरी भांजी के कमरे में घुसाया। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि आपके बेटे के साथ क्या करूं, इसको पुलिस में दे दूं, इसके हाथ पांव तोड़वा दूं। तो मैंने सोचा कि आप तो बड़े सयाने हैं, आप ही से पूछते हैं। नहीं मल्होत्रा साहब, मेरी राय मत लीजिए। आज तो ये साबित हो ही गया है कि मेरी बातों का कोई मोल नहीं है। वो आपका गुनहगार है, अब जो चाहे कर सकते हैं उसके साथ। और जहां तक मेरा सवाल है, आज से उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या करना है इसका? पापा मेरी नजरों से तो इसे दूरी कर दो, वरना मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। इसे जो सुनना था अदिति ने इसे कह दिया ना, फुल एंड फाइनल। मैं तुमसे, you saw me, और तुम भाग गए? क्यों? कहाँ गए थे तुम? क्या हो गया तुम्हें? हाँ? कल रात से मालूम है क्या हालत है मेरी? इतना हिम्मत है तुम्हारे में? पापा, you go inside. You go inside. इसको मैं देता हूँ ना? Please. ये सामने आया है ना? I swear, अब ये अपने पैर से चल के वापस नहीं जाएगा. Listen to me, Vinci. Viren, let him go. जान से मार दूँगा इसे. I'll kill the rascal. Nothing is lost, okay? Let go. तुम हो यहाँ, मैं हूँ यहाँ पे, come inside, Vinci. सब ठीक हो जाएगा। It's all right. मैं डैडी से बात कर लूंगी, वो मान जाएंगे, बिलीव मी, वो मान जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ विरेन, हाँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ कैरन, मुझे मालूम है कि अगर मैं हाँ कह दूंगा तो सब कुछ वापस आ जाएगा, पर वो झूठ होगा। मैं क्या करूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। I'm sorry. मैंने जो आप लोगों के साथ किया बहुत बुरा किया, पर जो मैंने ऑलरेडी कर दिया वो मैं कैसे बदलूं? तो मैं खड़ा हूं आपके सामने, आपको जैसा लगे आप मेरे साथ कर सकते हैं। विजी, स्टॉप इट। गुड मॉर्निंग डैड।
मैं हमेशा आपसे डरता रहा हूं, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे नहीं डर रहा। अफसोस हो रहा है मुझे आपके ऊपर कि आपको मेरे जैसा बेटा मिला। आप हमेशा मुझे समझाते रहे ना, लेकिन मैं कभी समझा नहीं। और कल पहली बार मैं एक दिन में सब समझ गया। मैंने जो किया, एनीवेज सब खत्म हो गया, ठीक हुआ। ऐसे होना चाहिए था मेरे साथ, मगर जो आपके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। आपको जो बोला गया मेरी वजह से, यू डोंट डिजर्व दैट, आई एम सॉरी। मैं जहां भी जाऊंगा कोशिश करूंगा कि अपने आप को बदल लूं। इतना ही कहना था। सुनो, इधर देखो, तू मेरा बेटा है। आई लव यू माय सन। थके हूं मैं डैड, झूठ बोलते बोलते, जिम्मेदारियों से भागते भागते, पता नहीं ऐसे क्यों मैं हमेशा आपकी तरह बनना चाहता था, मगर नहीं बन पाया। चलो अंदर चलो, आइए रेडी भाभी। जसवंत सिंह गाड़ी अंदर ले लो, चलो। सॉरी। चलो एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था कभी, आते जो फल तो ठीक था, वो ना फले तो ना सही। कुछ ना हुए तो ना सही, ना बने तो ना सही, ना मिले ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। ऐ जिंदगी हर एक रास्ते से हमने पुकारा तुम्हें, सोचा संवारा तुम्हें, पर तुमको अच्छा ना लगा, कोई वादा सच्चा ना लगा। तुम रूठी हो ये सोच कर, तुमको मनाएंगे मगर, अब हमसे रूठी तेरी ये नजर। करना हंसे ना सही, ना बने तो ना सही, ना मिले कुछ ना रहे तो ना सही। अजनबी लगता था क्यों ये हर घड़ी, आधे अधूरे गीत की एक तुम कड़ी, एक मैं कड़ी। तुम रास्ता में अजनबी लगता था क्यों हर घड़ी, तुम्हें देख के लगता था ये तुम हो बने मेरे वास्ते। मिलना ही था हमको मगर हम ना मिले तो ना सही।
सासू हमें अपना बनाना आ गया। हर हाल में हर दौर में हमें मुस्कुराना आ गया। हमें अपना बनाना आ गया। गम है भी तो रुकना नहीं, जीना है तो झुकना नहीं, ये जिंदगी कोई खुशी अब ना भी दे तो ना सही। हो जिंदगी हर एक रास्ते से हमने पुकारा तुम्हें, सोचा संवारा तुम्हें, पर अच्छा ना लगा, कोई वादा सच्चा ना लगा। तुम रूठी हो ये सोच कर, तुमको मनाएंगे मगर अब हमसे रूठी तेरी ये नजर। गर ना हंसे ना सही, ना बने तो ना सही, ना मिले ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। खेलो। अदिति है? हाँ जी। हाय अदिति, एंगेजमेंट है आज? हाँ। Lovely. मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। जी। महेश नाम है ना? हाँ। विरेन ने बताया। और शादी कब है? अगले महीने। इतनी जल्दी? Great. So, तुम खुश हो? Are you happy? हाँ। Strange. तुमको देख के लगता तो नहीं कि तुम खुश हो, पता नहीं क्यों। Karen, please. इस बारे में बात करके क्या फायदा है? जो होना था वो हो गया है ना? जो होना था वो हो गया। So simple, isn't it? नहीं अदिति, जो कुछ हुआ है वो अपने आप नहीं हो गया, तुमने किया वो सब। पहले तो सब कुछ ठीक था, वैसे ही रहने देती, लेकिन नहीं, तुमको बीच में आना था, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना था, और अब तुम किसी और से शादी कर रही हो। I mean, what the hell is happening? मैं जानती हूँ कैसे समझाया मैंने अपने आप को कि यही होना था। मैं जैसा वीरेन के बारे में सोचती हूँ वो मेरे बारे में वैसा नहीं सोचता, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे प्यार करता है और तुम उससे, तो फिर तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं हो? This is so ridiculous. Karen, please, इसके बारे में बात नहीं करते। अदिति, तुम और मैं और किस बारे में बात कर सकते हैं? हाँ? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कोई तो रीजन होगा, पागल तो हो नहीं तुम, मुझे बताओ तुम। टेल मी। Karen, please, रहने दो। No, tell me, I have to know. मैंने अंकल से वादा किया था, वो जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करूंगी, ओके? बस तुमने वादा किया था, दैट इज ऑल। तुमको पता है विरेन किस हाल में है? हाँ, तुम हो क्या अदिति? डू यू हैव अ हार्ट? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है? नहीं कैरन, मुझमें कोई फीलिंग्स नहीं है। आई डोंट फील एनीथिंग, मैं बस अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूं। जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अदिति। मुझे पता है किसी को नहीं है। कैरन, तुम क्यों आई हो यहाँ? प्लीज लीव, गो। Karen, go. तुम क्या समझती हो? ये जो तुम I'm begging you, Karen, please leave. ऐसे ही तड़प रहा है वो भी, यही बताना था तुम्हें। पांच मिनट हाँ दीदी, एक बार ये शुरू हो गया तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ओके, बहुत देर हो चुकी है।
शादी के कांच बट गए हैं, वापस नहीं लिए जा सकते और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो कुछ करना होगा तुम्हें खुद करना होगा। इस घर में हंगामा होगा, कुछ दिन टेंशन भी होगी, लेकिन पहले यही सब चाहते थे ना कि तुम वीरेन से शादी करो, तो हो सकता है बाद में जाकर यही कहें कि अच्छा ही किया दीदी ने। मतलब मैं क्या करूं? तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेहमान नीचे आ चुके हैं दीदी, कुछ ही देर बाद महेश भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुंच जाएगा, तुम्हें नीचे बुलवाया जाएगा और एंगेजमेंट की सेरेमनी शुरू हो जाएगी। बोलो क्या करना चाहती हो तुम, क्या कहता है तुम्हारा दिल? मगर वो एक्चुअली ये जो बालकनी है ना, यहाँ से उतर कर कई बार उतर चुकी हूँ मैं। अभी जाओगी? हाँ। Will you be okay? हाँ। चल, are you okay? Okay. Come on. मैं दरवाजा देखती हूँ। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे आप कहाँ? अरे विरेन, आप कहाँ है वो? Do you have an appointment? कहाँ है वो? हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा ही होता है कि हम अपनी पुरानी नॉलेज भूल जाते हैं और वो ही नॉलेज वास्तु फेंग शुई वगैरह के नाम से वापस आ जाती है। स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टेबिलिटी के नाम पे आप लोगों ने काफी आर्किटेक्चरल डिजाइन रिजेक्ट किए हैं। मुश्किल है, ये बिल्डिंग काफी बड़ी है, लेकिन ना तो ये रेड फोर्ट से बड़ी है ना पिरामिड से। अगर वो लोग उस जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी बिल्डिंग्स बनाने में कामयाब हुए थे, तो सोचिए इस जमाने में हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। Marvelous kid brother, absolutely marvelous. Mr. Viren Oberoi. What? Viren, तुम अचानक यहाँ क्यों आए? Viren, is there a problem? Is something wrong? सब कुछ ठीक है ना? तुम सवाल ही पूछते रहोगे या मुझे जवाब देने दोगे यार? Listen, निर्मल ने देख लिया था। I know. You know, तो फिर जाओ ना यहाँ से। Viren, मेरी बात सुनो। Listen, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, okay? No. Don't tell me. तुम घर से भाग के आई हो, तुम भाग के यहाँ मेरे ऑफिस में आई हो ताकि हम दोनों भाग जाए? तुम पागल हो गए हो क्या? What's wrong with you? अच्छा, what's wrong with me? तुम मेरे कमरे में घुस आए थे और सबके सामने कहा कि भाग चलते हैं। तो तुमने भी मुझे निकलवा दिया था ना? ठीक है, तुम भी मुझे निकलवा दो, बुलाओ गार्ड को। गार्ड छेक तो मुझे नहीं, तुम बदला लेना चाहते हो ना Viren? Don't be stupid. I am stupid यार। God, पता है मुझे। पता है तो क्या कर लोगे? Nobel Prize दूंगा, okay? इस brilliant plan के लिए। Wow. I don't believe it. I mean, कोई इतना बेवकूफ हो सकता है? हाँ? तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ आओगी और मैं खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे साथ जाने के लिए? हाँ,
यही सोचा था मैंने। गलत थी ना मैं? ऑफ कोर्स गलत थी। अदिति तुम्हें एक्चुअली लगा कि ये पॉसिबल है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ओके? क्यों बात कर रहा हूँ मुझसे? भाग जाना कोई तरीका है क्या? यही मैं कहती थी वीरेन। हाँ पर अब सब कुछ बदल गया है, ओके? सब होने के बाद भी मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं बता रहा हूँ, तुम अपने घर वापस चली जाओ। वीरेन, जिंदगी में कभी भी मुझे सलाह की जरूरत पड़ेगी ना, तो तुम आखिरी इंसान हो जिसके पास मैं आऊंगी। क्यों यार, हर वक्त हर आदमी मुझे यही क्यों कहता है? हाँ, मैंने क्या कहा कि तुम घर चले जाओ? गलत कहा? मेरी एंगेजमेंट चल रही है घर में वीरेन। एंगेजमेंट? तुम अपनी एंगेजमेंट छोड़ के, उन्हें मालूम है कि तुम भाग गई हो? पता नहीं। उन्हें पता नहीं या तुम्हें पता नहीं कि उन्हें पता नहीं? ओके, एनीवेज तुम अब क्या करोगी? पता नहीं। ये क्या बकवास है यार, पता नहीं तो पता करो। वैसे भी तुम्हें क्या यार, मैं जो भी करूं। हे, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो यार? इतना भाव देख क्यों रहे हो यार? जाओ ना अपने डैड के पास, वो लेकर आएंगे कोई ऐसी वाली जिसको भाव नहीं देना पड़ेगा। वीरेन, अब मैं अपने डैड की चॉइस पे कैसे भरोसा रखूं? हां, उनकी पहली पसंद तो तुम थी, और तुम तो अपनी एंगेजमेंट से भाग के आ गई हो यार। लिसन, मेरे दिल ने जो कहा मैंने एटलीस्ट किया, ओके? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने गलत किया, ओके? मैं बस अभी यहां से चलकर बाहर जाना और गायब हो जाना बिना कपड़ों के सिवाय, ये और पैसे भी कम है। इट्स ऑल अजीब यार, इट्स रिडिकुलस। ऐसा होता है क्या जिंदगी में? तो तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? तुम जानती हो क्यों आया? नहीं जानती, बता मुझे। क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। टैक्सी। आई अंडरस्टैंड कि और कोई रास्ता नहीं रहा, मगर भागकर? अच्छा, सुनने में कैसा लग रहा है? भाग गए? ओके वीरेन, समझ गई। गुड, अच्छा हुआ कि तुम समझ रही हो। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। चलो, कहाँ? अभी सीधे लेना, मैं बाद में बोलता हूँ। We are ready, Dad. ये वीरेन नहीं आया अब तक? इतनी जल्दी नहीं आएगा वो, वक्त लगेगा, कुछ हफ्ते शायद, एक आध महीना, फिर दोनों आ जाएंगे। दोनों? कूल डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में, ओके? आराम से बात करके। और ये अच्छी जगह है बात करने के लिए, ये टैक्सी, यहाँ में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारे ऑप्शंस चूज करके, सारे ऑप्शंस, ओके? क्योंकि फ्रैंकली अदिति स्पीकिंग, भाग जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओके? एंड लेट्स बी रियलिस्टिक। एक बात बताओ, अगर मैं मिसेज मल्होत्रा और मिस्टर मल्होत्रा के यहाँ जाके इस लड़की का हाथ मांगूं, ठीक नहीं लगेगा? इतना सब होने के बाद नाक कट जाएगी अपनी ना? डैड, ये मगर आज अगर ये दोनों कुछ कर जाएं तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा। अब मुझे समझ में आया कि वीरेन में किसके गुण आए हैं। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? आज तो आप मुझे आदमी ही गलत लग रहे हैं। हे, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे ही नहीं, आप सारी दुनिया के बाप हैं डैड। रुस जाने दे, दीवाना जग छुट जाने दे, मैं तेरा दिल बन के रहूं, बेगाने दिल टूट
छूट जाने दे, अब साथिया नई मंजिले, नया रास्ता है तुम्हारा हमारा, ओ यारा रब रुस जाने दे। जितना करूं प्यार मैं उतना कोई ना करे, ऐसा कोई हो जहां हम अपने जमीन आसमां, अब साथिया ऐसा जहां बनेगा यहां तुम्हारा हमारा, ओ यारा रब रुस जाने दे। दीवाना जग जाने दे, मैं तेरा दिल बन के रहूं, बेगाने दिल टूट जाने दे।